हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम गुड्डू ग्रामर ज्ञान वन। गाइस, आज के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए, आज मैं आपको बताऊंगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सांकेतिक सर्वनाम। कहने का मतलब, इसका प्रयोग जो किया जाता है, यह कोई भी सेंटेंस है उसमें किसी नाउन की तरफ, कहने का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए इसका यूज होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, इटीसी, राइट ना। इसमें कुछ और भी विशेष होते हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये होते हैं ऐसे सर्वनाम जिसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, राइट ना। और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ और समझा दूँ कि जैसे हम यूज ऑफ दिस कैसे करते हैं, दिस और देश का। ठीक है, तो दिस का प्रयोग गैस समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि जो देश होता है उसका समीप के लिए ही प्रयोग होता है, मतलब नज़दीक के लिए, लेकिन एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। ठीक है, और दैट और दोज क्या होता है? दैट जो होता है गैस, यह जो होता है दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, और दोज जो होता है वह दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये जान लीजिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव गाइज वह शब्द होता है, कहने का मतलब ये सेम सब्जेक्ट, ये जो शब्द है ना, यही सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जब इसका प्रयोग किसी नाउन के तुरंत पहले होता है तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, बस इतना अंतर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हो गया सेम टू सेम, लेकिन वही सेम टू सेम जो डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वह अगर किसी नाउन के तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दोज फ्लावर्स आर माइन, वे फूल मेरे हैं। तो फ्लावर क्या है? एक नाउन है, तो नाउन के तुरंत पहले दोज का प्रयोग हुआ है, मतलब कि क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। राइट, बिल्कुल सिंपल है, समझ लेना, आसानी से आपको समझ में आ सकता है। बाकी आगे आपको मैं बता दूँ, सुन लेंगे ध्यान से आप, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस या क्लज में प्रयुक्त हो तो लास्ट सिंगुलर नाउन के लिए दिस का तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के लिए दैट का प्रयोग कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। राइट, अगला आपको एक और पॉइंट बता दूं मैं, आपको समझ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। यदि दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस या क्लज में प्रयुक्त होते हैं तो लास्ट प्लूरल नाउन के लिए देश तथा फर्स्ट प्लूरल नाउन के लिए दोज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगला एक और पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। यदि एक समान वर्ग, मतलब कहने का मतलब सेम क्लास के दो नाउन की तुलना हो तो सिंगुलर नाउन के लिए दैट ऑफ का तथा प्लूरल नाउन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, जैसे दैट ऑफ जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, दोज का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल के लिए होता है, तो बस उसमें दैट ऑफ और दोज ऑफ कर लेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, जरूरत पड़े तो इसे नोट कर लीजिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि यदि सिंगुलर नाउन दो बार आ रहा है तो इस दो बार को रोकने के लिए दैट ऑफ का, प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। यह भी विशेष रूप से पॉइंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे आ गए हम सच। सच भी एक प्रकार का जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे कि नो वन कैन मेक सच ए मिस्टेक, तो सच का मतलब ऐसा, सच का मतलब होता है ऐसा, तो कहने का मतलब ये क्या है, सच भी एक प्रकार का ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज इसमें किया जा रहा है। ठीक, यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाने वाला प्रोनाउन होता है। राइट, सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ में भी। और एक पॉइंट ध्यान से सुन लें, सच का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो इसे भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका द सेम। द सेम का मतलब होता है वैसा ही। एक सेंटेंस है जैसे ही गेव मी ए बुक एंड द सेम वॉज रिटर्नड टू हिम, द सेम का मतलब होता है वैसा ही। ठीक है ना, उसी प्रकार का। तो ये कह रहा है द सेम का प्रयोग सामान्यतः डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सामान्यतः नहीं होता है कभी कभी। तो यह सेंटेंस एक प्रकार से इसके लिए भी बनाया गया है। राइट, और इसमें विशेष चीज़ें जान लेंगे, द सेम के बदले जरूरत के मुताबिक अगर हम, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो प्रोनाउन प्रोनाउन दिस या इट या दे का प्रयोग भी कर सकते हैं। राइट, और कुछ विशेष है पॉइंट का है जिसमें, जैसे सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ जो होता है प्रोनाउन, ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो इसके पहले हम दिस, दैट और कहने का मतलब दिस और दैट का यूज इस पर हम कर सकते हैं। जैसे हमें एक सेंटेंस कहना है कि दिस काइंड ऑफ पेंसिल इज कॉस्टली, इस प्रकार की जो पेंसिल होती है वह कॉस्टली होती है। ठीक है, तो गाइस ये है ओवरऑल आज का वीडियो जो है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, आसानी से आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा।
और यदि समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली हमारे अपडेट को देखें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।